ये बड़े गौरव की बात है ठाकुर साहब कि आज तक इस गांव में किसी को कानून का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं हुई। गांव के सारे झगड़े तो आप गांव में ही निपटा देते हैं और लोग आपके फैसले पर फूल चढ़ाते हैं। ये तो गांव वालों का बड़प्पन और प्यार है इंस्पेक्टर साहब। आप कहिए कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, हमारे पुलिस के खुफिया डिपार्टमेंट को ये पक्की खबर मिली है कि कुछ दिनों से इस गांव से अफीम, गांजा और चरस की स्मगलिंग की जा रही है। हमारे गांव से? और रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को बशीरा पर शक है। बशीरा? इससे पहले कि कानूनी कार्रवाई की जाए, मुझे आईजी साहब ने आपके पास भेजा है। ये तो हमारे गांव की इज्जत का सवाल है इंस्पेक्टर साहब। शुक्रिया ठाकुर साहब, आपको तकलीफ दी इसके लिए माफी चाहता हूँ। इसमें तकलीफ की क्या बात है इंस्पेक्टर? कानून की मदद करना तो अपनी मदद करना है। मैं फिर भी निगरानी रखूंगा। अच्छा, चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। सलाम साहब। सलाम साहब। सलाम सरकार, क्यों ना लगा के? कल की फेरी के 60,000 रुपए आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इस गांव से रोज दूध के ड्रमों में अफीम और अनाज की बोरी में चरस बाहर जाती है। क्या मजाल है कभी किसी ने चुंगी पर चेकिंग भी की हो? पुलिस के लिए रामगढ़ और ठाकुर विक्रम सिंह का नाम ही काफी है। इसी नाम को तो मिट्टी में मिलाना है मैंने। इन्हीं हाथों के साथ विक्रम सिंह की शराफत, ईमानदारी और इंसाफ पसंदी का गला घोटना मैंने। सरकार, जाम पीजिए और थोड़ी देर के लिए गुस्से को चूना लगा दीजिए। एक बार इस ठाकुर का बाप मेरे रास्ते में आया था और मेरे बाप की जगीर चली गई। ये साला विक्रम मेरे रास्ते में आया, मेरी नजरों के सामने कौशलिया को ब्याह के ले गया। बरसों से एक तूफान मेरे सीने में उमड़ रहा है, बदले का तूफान। एक बार, सिर्फ एक बार मैं कुशलिया को हासिल करना चाहता हूं, पर बशीरा जो चाहता है वो हासिल करके छोड़ता है। सुनो जी, कहाँ हो? क्या हुआ? देखो तो, मेरी आंख में कुछ पड़ गया। लो, निकाल देता हूं। अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे, तुम तो वही बात सोचती हो। अरे भाई, मैं तो पल्लू गरम करके तुम्हारी आंख पे रख रहा था। करूं गरम? जल्दी करो। अरे, इतना दूर रहोगी तो कैसे होगा पास्टर? देखो अब कंकड़ कैसे बाहर निकलता है। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। जल्दी करो, वरना आंख खराब हुई तो कानी हो जाऊंगी। अच्छा, मैं समझूंगा तुम हर वक्त मुझे आंख मार रही हो। ये क्या कर रहे हो बापू? वो तेरी माँ की आंख से कंकड़ निकाल रहा था बेटे। जब मेरी आंख में कंकड़ पड़ा था तब तो ऐसे नहीं निकाला था, क्यों माँ? हाँ बेटे, तुम्हारी बापू बहुत खराब है। तुमसे प्यार करते हैं और मुझसे शरारत। शरारत का कोई फायदा होगा? देखा बेटे, तेरी माँ ने तो हमें अंगूठा दिखा दिया, अब तू भी जाके सो जा। क्या बात है लाजवंती? इंसाफ मांगने आई हूँ ठाकुर। पति तो भगवान ने पहले ही छीन लिया था। एक जमीन के टुकड़े के सहारे हम माँ बेटे अपना पेट पाल रहे थे, आज वो भी छीना जा रहा है। कौन छीन रहा है तुम्हारी जमीन? बशीरा। बशीरा? हाँ ठाकुर साहब, बशीरा ने इसके पति को नशे की हालत में 10,000 रुपए दिए और कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया। पढ़ते पढ़ते उनकी जबान पर जमीन और बशीरा का ही नाम था। मुझ गरीब के साथ धोखा हो रहा है ठाकुर। पटवारी भी अगर कागज देखेगा तो सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करेगा।
करेगा लेकिन हम करेंगे। ठाकुर विक्रम सिंह के रहते हुए इस गांव में किसी के साथ बेइंसाफी नहीं हो सकती। तुम घर जाओ बहन। प्रभु जी मालिक। प्रभु तुमसे कितनी बार कहा है कि हमें मालिक मत कहा करो। तुम यहाँ नौकर नहीं, हमारा दायां बाजू। मालिक की आपका बड़कपन है क्या? आप मुझे इतनी इज्जत इतनी मोहब्बत देते हैं, मैं तो। रघु हमारा बड़प्पन तो हमारे गांव की इज्जत में है। इस गांव पर कानून की उंगली पहली बार उठी तो बशीरा की वजह से, और ये आज लाजवंती की कहानी तो। मालिक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जबान की भाषा नहीं समझते, वो सिर्फ लातों की भाषा समझते हैं। अगर आपकी इजाजत हो। नहीं रघु, बशीरा को एक हफ्ते की मोहलत दो और उससे कहो कि पिशना की बेवा की जमीन उसे लौटा दे, नहीं तो। आओ मारुति आओ, बिछड़े की जमीन का कब्जा लेने आया है। जी हाँ, 10,000 में तेरे पास गिरवी थी, ठाकुर साहब ने 20,000 भेजे, ये ले। तेरा ठाकुर क्या समझता है कि सोना उगलने वाली जमीन में उसके हवाले कर दूंगा? भाई तंदे की बात है तंदे की, और इस खाते के ऊपर बिछड़े के अंगूठे के निशान है, वो इस बात की गवाही देते हैं कि जमीन जो है ना उसने मेरे पास गिरवी नहीं रखी थी, बेच दी थी मुझको। और उस औरत के आंसू गवाह है इस बात की कि इन पन्नों में जो कुछ लिखा सरासर झूठ लिखा है। ठाकुर ने तुम्हें 7 दिन की मोहलत दी बशीरा, सोच लो। नहीं तो क्या करेगा तेरा ठाकुर? गोली मार देगा, गर्दन काट देगा मेरी। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ बशीरा कि बिश्नी की औरत के साथ भी उसी तरह इंसाफ होगा जिस तरह सारे गाँव के साथ होता है। रघु एक बात तो बता, कहीं बिश्नी की बेवा के साथ ठाकुर का टांका तो फिट नहीं है? बशीरा आवाज धीमी रख, धीमी रख आवाज बिल्कुल। मैं जानता हूँ तू अपने मालिक का बहुत वफादार है और अपनी वफादारी का सबूत कई बार दिखा चुका तू। छोटा मुंह कभी बड़ी बात नहीं बोलता बशीरा, लेकिन आज बोल कर जा रहा हूँ मैं। याद रखना, जबरदस्ती के सौदे कभी कभी महंगे पड़ जाते हैं, और मैंने ठाकुर विक्रम सिंह के इंसाफ के आगे तुझसे भी ज्यादा जिद्दी लोगों को झुकते हुए देखा है। मैं 7 दिन के बाद आऊंगा, लेकिन रुपए लेकर नहीं, ठाकुर का हुक्म लेकर आऊंगा, समझे? क्या बात है, आज हमारा बेटा बहुत गुमसुम बैठा है, क्या हुआ? देखिए ना पिताजी, दिवाली आ गई और आपने हमें ना नए कपड़े सिवा कर दिए ना पटाखे लेके दिए। ले देंगे बेटा, लेकिन एक शर्त पर, पहले हमारा राजकुमार हमें मुस्कुरा के दिखा दे। ए ए बेटा अजय, देख मैं तेरे लिए कितने सारे पटाखे लाया हूँ। छोटे ठाकुर आप दोनों मिलकर दिवाली मनाएंगे। सच? देखो तो क्या क्या लाया है, पहले मैं गुड़ चना तो खा लूं। कोई तुम दोनों का प्यार देखे तो तुम्हें दोस्त नहीं भाई भाई समझे। चाचा एक बात बोलूं? बोलो। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी, तोड़े से भाई टूटे ना ये अजय विजय की जोड़ी, समझे? समझ गए। चल विजय। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मैं लुट गई ठाकुर साहब, मैं बर्बाद हो गई ठाकुर साहब, मैं बर्बाद हो गई, मैं तेरे के हाथों ने मेरे बच्चे को मार डाला ठाकुर साहब, मेरे बच्चे को मार डाला, मैं लुट गई ठाकुर साहब, मैं लुट गई ठाकुर साहब, मैं बर्बाद हो गई। बशीरा खिलाड़ सुपारी की चुना लगा के
बशीरा से कह देना अगर आइंदा उसने इस गांव की शांति और अमन भंग करने की कोशिश की तो मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। और यही तो मैं चाहता था ठाकुर कि तेरे गुस्से का लोहा तप जाए और मैं अपने नफरत की एक चोट मार के झगड़ा खत्म कर दूं। कसम है मुझे अपने सीने में सुलगती इस आग की कि आज की दिवाली तेरी हर खुशी एक एक करके अपने कदमों तले रौंद दूं मैं और तू पिंजरे में कैद हुए परिंदे की तरह फड़फड़ाता रहे साड़िया। पार्वती भी आधी पागल है, आज के शुभ दिन दिए तोड़ दिए। रामू काका, पंडित जी आए नहीं क्या अभी तक? अरे पूजा घर का दरवाजा किसने बंद कर दिया? रामू काका, रामू काका, रामू काका, कहां गए सब लोग? तुम्हें इस हवेली में किसने आने दिया? तूफान किसी की इजाजत लेके नहीं आता और जब आता है ना तो सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाता है। चले जाओ यहाँ से वरना। सुनिए, आज मैं नानू के आया हूँ त्योहार मनाने के लिए। जिस दिन से तूने होश संभाला है ना मेरे होश नहीं संभलते हैं। मैंने जी भर के तुझको चाहा, तूने जी भर के नफरत की मुझसे। आज मैं तेरी इस नफरत को हमेशा हमेशा के लिए कुचल दूंगा। आज मैं विक्रम सिंह की इज्जत का दामन नोच नोच के पाड़ूंगा, फाड़ फाड़ के नोचूंगा। उसके लिए इससे अच्छा कोई दिवाली का तोहफा नहीं हो सकता, समझी? इधर आओ, इधर आओ ना। भाई, अपनी जिंदगी चाहता है तो हट जा मेरे रास्ते से। तूने इस हवेली में कदम रखकर अपनी जान का सौदा किया है बशीरा। ये सौदा तुझे कितना महंगा पड़ेगा ये तू नहीं जानता अभी। आज तक सारे गांव का इंसाफ हमने किया लेकिन रघु के खून का इंसाफ कानून करेगा। गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुल्जिम बशीरा को मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। To be hanged till death. बापू, बापू मत जाओ, बापू मुझे छोड़ के मत जाओ बापू। मेरे बेटे, अब तेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने बाप की मौत का बदला लेना। जब तक विक्रम सिंह जिंदा रहेगा बेटे, तेरे बाप की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पर बात करते उसे, मिटा दे उसकी झूठी इज्जत को, उसकी शान को। चलो। याद रख बेटे, बदला 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 बदला। सुनिए,
आपसे बिना पूछे आज मैं एक फैसला कर आई हूँ। किसका? रघुनंदन के बेटे अजय का। मैं चाहती हूँ आज से अजय यहीं रहे, इसी घर में, हम सबके साथ। मुझे तुम पर नाज़ है कुशला। अजय आज तक रघुनंदन का बेटा था, लेकिन आज के बाद दुनिया इसे विक्रम सिंह के बेटे के नाम से जानेगी। Thank you.
पम 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 दोनों सचमुच भाई भाई लगते हैं। अगर आज रघुनंदन जिंदा होता तो कितना खुश होता। ये सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। मेरी परवरिश में आपका प्यार भी तो शामिल है। भाई अपने पास तो प्यार ही प्यार है, तुम्हें देने के बाद जितना बचता है बच्चों में बांट देता हूँ। लेकिन अब प्यार के साथ साथ थोड़ी सी डांट की भी जरूरत है। क्यों? देखो ना, शाम हो गई अभी तक लौटे नहीं। तुम बेफिक्र रहो, आज ऐसी डांट लगाता हूँ कि बस। देखती हूँ। अरे कहाँ थे इतनी देर? माँ पूछ रही है कहाँ थे इतनी देर। वैसे मैं भी पूछ रहा हूँ। हाँ। देर नहीं माँ, दूर कहो, दूर। ये मुझसे दूर कॉलेज में, मैं इससे दूर खेतों में। ये कॉलेज की कटाई कर रहा था और मैं खेतों की पढ़ाई कर रहा था। मेरा मतलब है कि मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और ये खेतों की कटाई कर रहा था। पढ़ाई कर रहा था। अजय सच सच बताओ कहाँ थे इतनी देर? हम दोनों बापू साथ साथ थे। हाँ डैडी, हम दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं ना। हाँ बापू, हम खेतों में घोड़े लेकर। घोड़े? बड़े बड़े घोड़े माँ, बड़े बड़े घोड़े पेट में दौड़े। मम्मी बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। बहुत भूख लगी। अच्छा अच्छा चलो पहले हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा। इनको खाना मत देना, इनकी सबसे बड़ी सजा यही है। अरे कैसे बापू, बच्चों को भूख लगी और कहते हो खाना मत देना। चलो चल, माँ तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी। Come on, yeah. La la la. Hello, Chi. Hello. Hi. क्या मतलब? मतलब तो साफ है, तुम उसकी आंखों के रास्ते से उसके दिल में एंट्री लेना चाहते थे, लेकिन मैंने देखा कि ना उसने सिग्नल देखा ना तुमने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब। लेकिन सर ये सब आप कैसे जानते हैं? ऐसा ही एक किस्सा इस धरती पर मेरे साथ हुआ था। सर, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, थोड़े से अंदर पंजे ढीले हुए बस। I'm so sorry, sir. You are welcome. मैं पिछले 3 साल से उसको सिग्नल दे रहा हूँ, लेकिन वो हर बार मुस्कुराकर नो एंट्री का बोर्ड दिखा देती है। But be practical, Mr. LRL, यानी के लल्लू राम लवर का दावा है कि एक बार मैदान जंग में घुस गए तो पीछे क्यों हटना, नेवर। मैं तुम्हें लेक्चर दे रहा हूँ क्योंकि मैं लेक्चरर बनना चाहता था, नहीं बन सका। मैं लीडर बनना चाहता था, नहीं बन सका। मैं लवर बनना चाहता था, नहीं बन सका। जब ये तीनों एल धोखा दे गए तो मैंने लाइब्रेरियन का एल पकड़ लिया, मैं लाइब्रेरियन बन गया। सर आप बहुत होशियार हैं। थैंक यू। बहुत समझदार हैं। आफ्टर ऑल अपने यार हैं ना सर। सर इस लड़की को पटाने के लिए कुछ आइडिया बता दीजिए ना। सर कितनी स्वीट है। थैंक यू। सर मुझे कुछ बुक्स चाहिए। बुक्स? पूरी लाइब्रेरी तुम्हारी है, जो जी में आए ले जाओ, इंक्लूडिंग मी। यार मुझे कुछ हो गया है। अजय मुझे कुछ हो गया है। क्या हुआ बता भी। सारे बदन में खून का ट्रैफिक फुल स्पीड में दौड़ रहा है और बिजलियां चमक रही है मेरे दोस्त। बिजलियां? हाँ, दिल डिस्को और भांगड़ा करते करते अब ब्रेक डांस करना शुरू हो गया है। ऐसे ये तो कोई नई बीमारी लगती है मेरे दोस्त।
हाँ मेरे दोस्त, इस बीमारी का नाम है लवेरिया। इश्क, मोहब्बत। मुझे किसी से इश्क हो गया मेरे दोस्त। किससे? है उसकी आंखें जैसे नींद का नशा, बदन जैसे चढ़ते हुए समुद्र की लहरें, और मेरा दिल चाहता है मैं उन लहरों में डूब डूब जाऊं। अजय डूब जाऊं। तो तू डूबने की सोच रहा है? हाँ। मैं अभी माँ को बोलता हूँ। माँ को मत बोल, दोस्तों की बात है, दोस्तों में रहने दे। ऐसा? आज शिवरात्रि की पूजा है, तुम दोनों को मंदिर चलना होगा मेरे साथ। मगर माँ, मेरी पूजा तो मेरे कॉलेज में है। अब मेरा मतलब है मेरी स्टडीज, मेरी पढ़ाई। एक स्टूडेंट के लिए उसकी पढ़ाई सबसे बड़ी पूजा होती है ना माँ। वो पूजा तो तू रोज ही करता है, ये पूजा साल में एक बार आती है और तुझे चलना ही होगा। मगर माँ, दोनों को जाने की क्या जरूरत है, प्रसाद ही चढ़ाना ना, तो मेरी जगह अजय चढ़ा देगा। और माँ, आज मेरे कॉलेज में स्पेशल लेक्चर है, जिंदगी और मौत का सवाल है माँ। अजय। हाँ हाँ माँ, इसे जाने दो, तुम्हारा ये बेटा जो है तुम्हारे पास। हाँ। ला पूजा की थाली मुझे दे। प्लीज मम्मी। अच्छा बाबा जा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू वेरी मच मम्मी, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। पावला कही का। जा बेटी, भोलेनाथ तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। क्या हुआ पूजा बेटी? पैर फिसल गया था बाबू, गिर जाती अगर ये वक्त पे ना आती। तुम कौन हो बेटी? आपने मुझे पहचाना नहीं मास्टर जी? मैं, ये हमारा बेटा अजय। राम राम ठाकुरायन जी। राम राम मास्टर जी, कैसे हैं आप? जी बस, शिव जी की कृपा है ठाकुरायन जी। ये है मेरी बेटी पूजा। नमस्ते। बड़ी सुंदर और प्यारी बेटी है आपकी, जिस घर में जाएगी उसके भाग जाएंगे। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, गरीब की बेटी है, जाने कब भाग जागेंगे इसके। ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, शिव शंकर भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। आओ बेटी चलें। जी बेटी आओ ना। विजय विजय मेरे यार, मुझे कुछ हो गया, बस मुझे कुछ हो गया। क्या हुआ? तुझे मालूम है ना मैं मंदिर गया था? मालूम है, पर तुझे ये नहीं मालूम कि आज मुझे मंदिर में एक लड़की मिली थी। है? मंदिर की मूरत की तरह पवित्र, चांदनी में धुना हुआ चेहरा और कमल के फूल जैसी बड़ी बड़ी आंखें। ए भाई, तुझे भी मेरी वाली बीमारी लग गई, यानी कि लवेरिया। मोहब्बत तुझे? हाँ दोस्त, अगर तूने उसे एक नजर देख लिया ना तो तू मेरी किस्मत पे नाज करेगा। और अगर तूने मेरी वाली को देख लिया ना तो तेरे होश उड़ जाएंगे। तो कब होश उड़ा रहा है मेरे? अभी नहीं यार, पहले बात कुछ बढ़ जाए। तू अपनी वाली से क्यों नहीं मिलाता? अभी नहीं यार, पहले कुछ बात बन जाए। यानी के तब तक दोस्तों की बात दोस्तों में ही रहे। Thank you.
रुक क्यों गए? बहुत प्यारी धुन बजाते हैं आप। आपको अच्छी लगी? ये धुन ही तो मेरी तन्हाई की साथी है। जितनी मिठास है इसमें उतना ही दर्द है। एक कशिश, एक खिंचाव है आपकी धुन में। वो तो मैं देख ही रहा हूं, आपका इस तरह आधी रात को चले आना। और सुनिए, जब आप आई गई हैं तो दो पल बैठिए ना। डरती हूँ किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो जमाने के सवालों का जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। सवाल होने दीजिए, जवाब हम देंगे। पंडित ने कौन सी तारीख बताई है जगीरा? तारीख? हाँ, हमारी शादी की। ओ, भला पंडित क्या तारीख बताएगा मेरी रानी जानम जाने। बहुत शौक है तुझे दुल्हन बनने का। हाँ, और जानते हो मैं तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सच? हाँ। अरे मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने तुमसे प्यार किया है मेरी जान, तुमसे वादा किया है शादी का, और जगीरा वादा जरूर निभाएगा। अब तो तुझे दुल्हन बनाना ही पड़ेगा, और लाल रंग के जोड़े में तुम कितनी खूबसूरत लगोगी। सच? मेरी जान, मुझे भी एक ही लाल रंग पसंद है। ये क्या कर दिया सरकार आपने? ये अठन्नी घिसते घिसते हमारे हाथ मैले करने लगी थी मुनीम, और तुम जानते हो कि हमें मैल बिल्कुल पसंद नहीं। हमारे हाथों में घिसने के लिए हमें रोज एक नई अठन्नी की जरूरत है। जवानी की इस चांदी को आग में जला दो। और सुनो हीरू, जगीरा के लिए किसी नए सिक्के का इंतजाम करो। हीरो, आज बिल्कुल अकेली, बिना सहेली आ रही है। ठीक है, आज इसका साथ हम दे देंगे। और ये हमारे बॉस जगीरा का। छोड़ो मेरी साइकिल। साइकिल तो क्या मेरी जान, आज तो तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। चल छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो। बदमाश, छोड़ दो मुझे। Thank you.
थैंक यू वेरी मच। किस बात के लिए? अगर आप ना आते तो? मुझे तो आना ही पड़ता। क्यों? आपके दिल की आवाज मेरे दिल के कानों तक पहुंच गई थी। आपने पुकारा था ना मुझे, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके सवाल जवाब का इंतजार नहीं करते, खुद चलकर जवाब के पास पहुंच जाते हैं। और अगर आज मैं खुद सवाल बन जाऊं तो क्या जवाब नजदीक आएगा?
हैं जिंदगी का क्या भरोसा। सोचता हूँ जीते जी ये जमीन जायदाद अपने विजय के नाम कर दूं। सिर्फ विजय के नाम? और अजय? अरे अजय को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, अब वो अपना कमाएगा और खाएगा। वैसे भी वो है तो अपने नौकर का बेटा ना। जी नहीं, वो मेरा बड़ा बेटा है। जायदाद में भी पहले अजय का हिस्सा होगा, बाद में विजय का। ये क्या कह रही हो, एक पराए बच्चे के लिए इतना? नहीं, हमारे लिए ना तो वो पराया है, ना मैं अपने जीते जी उसके साथ ये अन्याय होने दूंगी। हाँ, मेरे मरने के बाद बेशक उसे घर से निकाल दीजिएगा। मैं तुम्हें मरने दूंगा तब ना? दरअसल मैं बहुत दिनों से तुम्हें गुस्से में नहीं देखा था ना, और मेरा प्यार करने को भी जी कर रहा था। और फिर देखो ना, कितने दिनों से तुम्हारी आंख में कंकर भी नहीं पड़ा। मैं भी सोचूं, सारे गांव के साथ इंसाफ करने वाला अपने घर के मामले में बेइंसाफी कैसे कर रहा है? कभी नहीं, घर और बाहर इंसाफ के लिए बराबर है। कौशल्या, मैं कभी किसी के साथ बेइंसाफी नहीं कर सकता। तब तो मेरे साथ भी बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे साथ? और नहीं तो क्या, कितने सालों से मैं पूरी घर गृहस्थी संभाल रही हूँ, अब मुझे भी कोई चाहिए मदद के लिए। ये तो वाकई बहुत बड़ी बेइंसाफी हो रही है आपके साथ। जी ठाकुर साहब, आपको इंसाफ मिलेगा। आपकी मदद के लिए एक नहीं दो दो बहुएं इस घर में आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब, बड़ी मेहरबानी। और सुनिए। सुनाइए। अजय बड़ा है, सबसे पहले उसकी शादी होगी। ठीक है ठकुराइन, आपके हुक्म की तामील होगी, हम पहले अजय की शादी करेंगे। हम तुम्हारा आशीर्वाद लेने आए हैं बाबा। जब हमारी शादी होगी तो हमें अपनी मोहब्बत की कसम, हम तुम्हारे इस मंदिर में अपने प्यार की आवाज छोड़ जाएंगे। हमारी मुराद पूरी करना, हमारे प्यार की रक्षा करना। ये रक्षा करेगा तुम्हारी। अरे ये कैसा भगवान है जो दुनिया से डर कर इस वीरान जंगल में छुपा बैठा है? इसे तुम भगवान कहते हो? इस बेजान बुत को जो न देख सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है, अरे ये भगवान नहीं है। ये दुल्ला सा विचार है, एक वहम है, पर अंदर का डर है। और इस डर से बचने के लिए हमने एक शक्ल, एक रूप को भगवान का नाम दे दिया। बस, ये भगवान नहीं है। अरे ये भगवान तो क्या, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे कुछ नहीं कर सकता ये। ये गले में सांप, ये हाथ में त्रिशूल, ये सिर्फ दिखाने के खेल है, किसी राक्षस की जान नहीं ले सकते। अरे मैं पूछता हूं, अगर ये भगवान होता तो मेरी राधा की चीखों पुकार सुनकर खामोश नहीं रहता। अगर ये भगवान होता तो एक मासूम की इज्जत ना लूटने देता। अरे ये भगवान नहीं, ये तो एक पत्थर की मूर्त है। और सुनो, प्यार करना चाहते हो ना तो इसके सहारे की उम्मीद ना रखना, अपने प्यार की रक्षा खुद करना। खुद ये आदमी भगवान से बहुत नाराज लगता है। हाँ, ये कृष्णा है, इसका प्यार एक गवाले की लड़की से था। एक दिन इसकी गैर हाजिरी में एक बदमाश ने उस राधा की इज्जत लूट ली, और राधा ने इस पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली, और कृष्णा ने सारे गांव के सामने उस बदमाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। प्यार का इतना बड़ा इम्तिहान? हाँ, सजा काटने के बाद से कृष्णा इसी पहाड़ी पर रहता है जहाँ से राधा ने कूद कर आत्महत्या की थी। अरे ओ बुड्ढे खुसट, सड़क पे चल रहा है जब बाप के बगीचे में घूम रहा है। अरे भाई, मैं तो किनारे किनारे जा रहा था, तुम इन्हें पीछे से आकर देखा देखा, आपको सुपारी खिला रहा है चूल्हा लगा के। अरे भाई, कसूर तो तुम्हारा ही है। क्या कहा, कसूर हमारा है? एक तो तुझे मरने से बचाया बुड्ढे, और उस पर झूठा इल्जाम लगाता है तू हम पर। जुल्म सच्चा करते हो और इल्जाम को झूठा बोलते हो। तूने मेरी कलाई पकड़ी। शुक्र करो कि तोड़ी नहीं। अगर तेरा ये हाथ इन बुजुर्ग पर उठ जाता तो मैं तेरा हाथ तेरे जिस्म से खींच निकालता। तेरा ये जोश
मेरा नाम सुनते ही तेरे होश उड़ा देगा। जगीरा नाम है मेरा और मेरा नाम है अजय। जो भी है इतना सोच लो बच्चू, आज तक जगीरा के सामने जिसने भी सर उठाने की कोशिश की उसे कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिया गया। तेरा वास्ता आज तक कीड़े मकोड़ों से पड़ा होगा। अगर तेरी याददाश्त का पैमाना ठीक जगह है तो इतना जरूर याद रखना कि जब कभी भी शेर के सामने आओ तो हमेशा सर झुका कर आना, नहीं तो मेरा ये पंजा तेरी गर्दन को हमेशा के लिए झुका देगा। मेरे पंजे की तो नहीं अजय बाबू, मुझे गरीब की खातिर झगड़ा मत करो। जगीरा साहब मैं मानता हूँ कसूर मेरा है, आप जाइए झगड़ा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। चलो बेटे चलो। ए, इस मुलाकात को कहीं आखिरी मुलाकात मत समझ लेना। मैं इंतजार करूंगा कयामत तक कि कयामत हो और वो मुलाकात आए। चलिए मासी। हाँ, चलो। जी सरकार। ये लड़का था कौन? चौधरी विक्रम सिंह के नौकर रघु का लड़का, चूना लगा के। ओ, तो गुलामी की रोटियां खाते खाते इतनी ताकत आ गई कि आज हमारे सामने खड़ा हो गया। ललू सर आपके सब प्लान फ्लॉप हो चुके, कुछ नया नहीं। ललू सर, ओ ललू सर, भाई कहाँ चले गए थे आप? थोड़ा अच्छा ठीक है, आइए आइए। एक्सक्यूज मी, थोड़ा हटेंगे? नहीं चलिए मैं जाता हूँ। यस सर। सर कुछ ड्रामा सोचिए सर, कुछ ऐसी चीज सोचिए जिससे मजा आ जाए। समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग एक्शन, समथिंग लाइक माय जेम्स बॉन्ड। James Bond? Yes. जितनी ये किताब भारी है उतनी इसमें रहस्य की अलमारी है। रहस्य मतलब सस्पेंस। इस किताब के अंदर ये कैमरा है, कैमरा। तुम इस किताब को ले जाओ, ऐसे रखो लड़की के साथ, हेलो हेलो करते करते इधर हाथ रखो, खटाक से बटन दबेगा, लड़की का फोटो तुम्हारे पास। बस उसके बाद तुम जाकर लड़की की तस्वीर से अपना गुजारा करो जब तक लड़की नहीं मिलता। विजय जरा संभाल के, कैमरा बहुत महंगा है। जवान अब ये समझो कि जंग शुरू हो गई है, चारों तरफ सायरन बज रहे हैं। बट फौज मोर्चे की तरफ बढ़ रही है। जवान मेरे जवान, अब तुम भी आगे बढ़ो। मार्च, लेफ्ट राइट। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। वो क्या कि आज एनसीसी की परेड करते करते अपनी टांगों की भी परेड हो गई। वैसे पढ़ क्या रही हैं? विश्वामित्र और मेनका की कहानी। मेरा तब भी तो आप ही भंग कर रही हैं। मेनका जी। मेरा नाम मेनका नहीं, पूजा है। लवली नेम, लवली नेम, पूजा। ये आवाज? कुछ नहीं कुछ नहीं। वेरी शार्प ब्रेन, वेरी शार्प ब्रेन। आपको ऐसी किताबें पढ़नी नहीं चाहिए, कुछ थ्रिलिंग किताबें पढ़िए। फैंटम, टार्जन, जेम्स बॉन्ड। सॉरी नॉट माय टेस्ट। मतलब जो बोला तो बाय बाय। अपना तो बन गया काम। सर सर सर, देखा मेरा ब्रेन। सर यू आर ग्रेट, सर यू आर ग्रेट। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। हाँ, और अब तुम उसकी तस्वीर को जिस तरह चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। You are so handsome, sir.
आपके दांत और आपकी टॉइंग। पता जेम्स बॉन्ड की छठी औलाद, क्या किया है तूने मेरी फोटो के साथ? मुझे अच्छी तरह वो सीन याद है, बता। तुम्हारी तस्वीर मैंने अपने सीने से लगा रखी है, अगर तुमको गवारा नहीं तो वापस ले लो। नहीं लल्लू नहीं, आज से तुम अपना नाम LRL से बदल कर LK रख लो। LK? हाँ, लव कामयाब। नहीं माने यहाँ। हाँ डार्लिंग, रोटी लेके जल्दी जल्दी आ जा। हाँ, पांच पराठे। मैंने कहा सुनिए, आलू गोभी जी, सुनिए छोले की दाल जी, वो दुल्हन वाली साड़ी। लाखो सिंह हुजूर, दुल्हन का ड्रेस दिखाओ। मुंडे को जी बेहतर। हीरो जी, ये ड्रेस दुल्हन के लिए ले जा रहे हो या कहीं और चक्कर है? जी वो 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 वो, वो। यानी केस सही जगह गुड मॉर्निंग कर रहे हो। रहने वाले कहाँ के? जी रामगढ़। गब्बर सिंह, मैं आ रहा हूँ दुल्हन की ड्रेस लेकर। वो शोले वाले ना? जी नहीं, ये ठाकुर विक्रम सिंह जी का है और मैं उनका बेटा हूँ। ओए ओए, और तू तो मेरी बोटी के पेटों का निकला। पेके? और मेरे छोटे के नान क्या कहा है तू? नान के? और मेरे सोरे आंदा। सोरे? लगता था पंजाबी आंधी ने। जी नहीं आती। बरखुरदार सोरे यानी के ससुराल, तुम हमारी ससुराल से हो। अच्छा, इसका मतलब है आप अपने ही गाँव से हैं। और मेरा मतलब है वो घुटना दबाते दबाते उधार नहीं मांग लेना। जी नहीं, उधार नहीं मांग। उधार मोहब्बत की कांची है। सारी जी, कितने पैसे हुए इसके? बाबू इसका 500 रुपए। 500 रुपए? ये लीजिए मेरा पर्स, मेरी जेब में था, पता नहीं कहाँ गिर गया। सच मानिए मेरी जेब में था। मिल जाएगा, इधर नेड़े तेड़े ही है। चंगेज खान हुजूर, तुम्हारा पाया खीसा किधर है? इधर नहीं, इधर। हाथ डालो इसके खीसे में, डालो, निकालो, निकाल जी। ये माँ के मुरारी, ये धंधा फिर से शुरू कर दिया। आपने तो कहा था कि बिक्री कम है। अरे वो हमारी ससुराल से, उसी की तूने ऐसी तैसी कर दी। आपका साला गुड मॉर्निंग कर दी। ये ले बेटे, जा कैश दे, जा बाहर जा के दे दे। बटुआ तुम्हारा था? टर्म हो गया, हले तक नहीं आई। गुड मॉर्निंग मेरी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड। जगह बना ला, रोटी खाने ली थोड़ी जी। आ गई फिरोजी सूट पे, टिफिन कैरियर तो भी सोनी लग दिया। अच्छा मैं तुम्हारे वास्ते रोटी ले आई हां। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही थी। अच्छा छोले की खुशबू से खिचिया चले आ गए, तैनू भी पौने हैं, जा जाके बैठ। उस्ताद वो मुझे भूख, जा आग देख पहला। गुड मॉर्निंग। ओ ते तुसी सवेरे भी कित्ती सी। तो क्या हो गया जी, देखिए आप मेरी हैं, मैं जब जी चाहे गुड मॉर्निंग कहूं। आप मैं सब समझ लिया तोड़ी गुड मॉर्निंग नु। वेरी अंडर एंड ओवरस्टैंडिंग भाई। कोई जगह ते वक्त देख लिया करो, जदों देखो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मार लिया तोड़ी गुड मॉर्निंग ने। आई एम योर सोल प्रोप्राइटर। मार लिया, मार लिया, डोर से मार लिया, मार लिया। अब वन। ओहो, लोग देख रहे हैं। कौन देख रहा है? और चिंगेज खान, सबसे कह दो दुकान बंद एक हफ्ते के लिए। क्रिसमस हॉलीडेज, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। प्रीता ये गए क्रिसमस मनाने, आज आप बैसाखी मना लिए, पर्दे दे बिठा जाओ। ये है मेरा सच्चा सपना, इतना खूबसूरत पर मेरी पूजा से कम, और इस खूबसूरत सपने को तुम पूरा करो। पूजा, शादी के दिन मैं तुम्हें इसी जोड़े में देखना चाहता हूं।
गया अरे सारा जहां मिल गया तुझे समझाने आया हूँ जगीरा। हाँ। कुछ दिन के लिए शराब और अय्याशी बंद कर दे, क्योंकि अगले सोमवार को घोड़ों की दौड़ है। अरे दौड़ है तो क्या हुआ, हर साल जगीरा ही जीता है। और इस साल भी हमारे छोटे सरकार सबको सुपारी खिलाएंगे चूना लगा के। बिल्कुल, जब गांव वालों को पता चलता है कि उनका मुकाबला जगीरा से है तो उनके चेहरे खाली गिलास की तरह हो जाते हैं। अब तक इस गांव में किसी माँ ने वो बेटा पैदा नहीं किया
जो जगीरा से दौड़ जीत सके। हर साल की तरह जो इस झंडे को वापस लेके आएगा उसे 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। है कोई जगीरा का मुकाबला करने वाला? मुकाबला ही नहीं, आज हम दौड़ जीत कर दिखाएंगे। अरे जीतना तो एक तरफ, ये जगीरा के घोड़े की धूल तक नहीं पहुंच पाएगा। इस दौड़ की जीत का इनाम हर साल जगीरा के गले का हार बनता है। हार और जीत का फैसला तो दौड़ खत्म होने के बाद होगा जगीरा। अजय, तुझे अपनी दोस्ती की कसम, घोड़ा चाहे दम तोड़ दे लेकिन दौड़ जीतने के बाद। शुरू करो। बदला लूंगा विक्रम सिंह, तेरे खानदान को खत्म कर दूंगा। Thank you.
सब जलाकर राख कर दो। चलो एक का भी चेहरा नहीं देखा। नहीं बाबू, वो सब एक से थे। अगर एक भी हाथ में आ जाता तो मैं उसका चेहरा पकड़कर उसमें बाकी सबके चेहरे देख लेता। डॉक्टर साहब, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हालत बहुत नाजुक है। मेरे साथ कभी अन्याय नहीं करेगा। तू तो जानता है प्रभु, वो भाई से बढ़कर मेरा दोस्त है और दोस्त से बढ़कर मेरा भाई। वो मुझ सुदामा का कृष्ण भी है और मुझ कृष्ण का बलराम भी। मुझे जिंदा रखकर तू उसकी जान नहीं ले सकता प्रभु। उसे बचा ले, मेरे दोस्त को बचा ले प्रभु, मेरे दोस्त को बचा ले। तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं होगा अजय, मैंने जीवन भर शिव की पूजा की है। अगर तुम्हारे दोस्त की जिंदगी तुम्हारे लिए अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है तो मुझे भी सौगंध है अपने शिव की। जब तक तुम्हारा दोस्त ठीक नहीं हो जाता मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। पूजा, हे भक्तों के भगवान, अपनी पूजा की लाज रखना। पराठों की गुड मॉर्निंग कर बैठा, मेरा गला बैठ रहा है। क्यों खिलाती है? जी नहीं, ऐ तो तनु खाना ही पड़ेगा। तनु मेरी सो की प्रीत कुरे पराठे पांच ते चुमी हिकई एक चुमी होर देना। आए मेरी कंपाउंडर नी, इधर आजा मेरे कोल बैठ जा। आज तो मजा आ गया, नाश्ते दा स्वाद आ गया। इंज कर, पंजा चुमी च पा लिया आलू ते पंजा च पा लिया छोले, वत हिक चुमी दे विच पा ले गुड़ दा भोरा। गुड और स्वीडिश दी गुड मॉर्निंग ना कर सीखोगी? इस बहाने हिक चुमी होर मिल जासी। ए तनु हर वेले गुड मॉर्निंग दी लत कित्थों लग गई है?
ओए लात लग गई या बां लग गई, अंग्रेज दे पुतने मेरी दुकान के सामने दुकान खोली है, उठते बैठते आते जाते जब देखो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मुझे भी आदत पड़ी गुड मॉर्निंग कहने की। एक बात बताऊं, जब से मैंने गुड मॉर्निंग कहना शुरू किया ना, दुकान की बिक्री बढ़ गई है। बोलो गुड मॉर्निंग, एक ही जगह चार साड़ियां ले जाती है। मैं समझिया तुहाडी गुड मॉर्निंग दा मतलब, तुहाडी दुकान विच सोनिया सोनिया कुड़ियां आंदियां ने। जे मैं सुन लिया तुसी किसे नाल गुड मॉर्निंग कीती है, ते मैं पेके चले जाना है। और तेरे पेके कड़े काले पानी है, असि उत्थे आ जांगे गुड मॉर्निंग कहण लई। आज ते डकार भी चुमियां दे आंदे ने। किथे गई मेरी गुग्गी, किथे छुपी? औरा जरूर तुमने मनी मन भगवान से मेरी जिंदगी की प्रार्थना की होगी। मेरा दिल कहता है कि मैं बचाऊं तो सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मेरी जान, सिर्फ तेरे लिए। अरे भैया इतना प्यार किसे मिल रहा है? उसी को मेरे दोस्त याहू, जो इस प्यार का हकदार है। मियां क्या हम उस खुशकिस्मत को सलाम कर सकते हैं? कोई जरूरत नहीं, अरे उसे देखते ही तेरा सर अपने आप ही झुक जाएगा। अच्छा, होश उड़ जाएंगे होश। ऐसा? दिल की धड़कने बंद हो जाएंगी, और जब होश आएगा तब तू मेरी किस्मत पे नाज करेगा। लगता है जनाब शायर हो गए। शायर नहीं, ये तो मेरे दिल की आवाज है मेरे दोस्त। अच्छा, दिल पर हुकूमत करने वाले की तस्वीर तो दिखा? बिल्कुल नहीं, वादा भूल गया। पहले तू और तेरे वाली। नहीं, कभी नहीं, पहले तू और तेरी वाली। तेरे वाली, तेरी वाली, तेरे वाली। देख यार, पहले तू में कहीं जिंदगी ना बीत जाए। दिखा ना तुझे तेरे यार की कसम। तेरी कसम के लिए तो मैं अपना सीना फाड़ के अपना दिल दिखा सकता हूँ मेरे दोस्त। ये तो सिर्फ एक तस्वीर है, मेरी चाहत, मेरी जिंदगी। ओए 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 ओए, क्या हो भाई? क्यों बेटा, देखते ही होश उड़ गए कि नहीं? यार जब मैंने भी पहली बार इसे देखा था तो अपन का भी यही हाल हुआ था। हाय, ये जिस्म ये जान सिर्फ पूजा है, सिर्फ पूजा है मेरे दोस्त। ये दिल तो अपना है लेकिन इसमें धड़कने सिर्फ पूजा की है। मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश सिर्फ पूजा है मेरे दोस्त, सिर्फ पूजा है। क्या बात है भाई, रोशनी में देख रहा है, कहीं नजर मत लगा देना। अरे फिक्र मत कर, अब तो तू इसे रोज ही देखा करेगा। तुमने बत्ती क्यों बंद कर दी? अरे ये तो खुद एक रोशनी है मेरे दोस्त, रोशनी मेरे अरमानों की, मेरे अफसानों की, मेरे सपनों की। कसम खा रखी है मेरे दोस्त, अगर शादी करूंगा तो सिर्फ इसी से। मेरे रिश्ते की बात करेगा ना तू? हाँ तू मेरे दोस्त, एक तू ही तो है जिसकी बात मम्मी डैडी कभी नहीं टाल सकते। मेरी शादी पूजा से करवा दे, मेरी शादी पूजा से करवा दे मेरे दोस्त। बोल बात करेगा ना? क्या सोच रहे? सोच रहा था कि मैं बात शुरू कैसे करूं। यार उस आर्ट का तो तू मास्टर है, लेकिन एक चीज की तू फिक्र मत कर, तेरी वाली के पास मैं खुद जाऊंगा बात करने, और अगर साला कोई माइका लाल बीच में आया ना तो उठा के ले आऊंगा उसे। वादा रहा मेरे दोस्त, पूजा की शादी तुझसे ही होगी। हिप पूरे, यू आर ग्रेट माय फ्रेंड, यू आर ग्रेट। मिल गई जिंदगी प्यारी सही, यारी से प्यारी कहाँ। क्या बात है अजय, तुम चुप चुप क्यों हो? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? नहीं पूजा, तुम्हारे तो बहुत उपकार है मुझ पर। जहाँ प्यार ही प्यार हो वहाँ उपकार के लिए कोई जगह नहीं होती। बहुत प्यार करती हो मुझे? हाँ। कुछ भी कर सकती हो मेरे लिए? तुम्हें शक है? तुम पर नहीं। हाँ लेकिन आज अपने प्यार की किस्मत पर जरूर हो रहा है। मुझ पर भरोसा रखो, जब मैं तुम्हारे दोस्त की जिंदगी के लिए
भगवान से लड़ सकती हूँ तो तुम्हारे लिए तो। यही तो वो कह रहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं ने उसे बचाया है, तुम्हारे व्रत ने उसे नई जिंदगी दी है। पूजा, विजय मेरा यार है और यारी के नाम पे जब भी उसने मुझसे कोई वचन लिया है मैंने उसे हमेशा पूरा किया है। आज भी मैं उसे एक वचन दे आया हूँ। वचन? कैसा वचन दिया है? बोलो ना, हम उसे पूरा करेंगे। पूजा, विजय तुमसे शादी करना चाहता है। हाँ, विजय तुमसे प्यार करता है, मुझसे भी पहले से तुम्हें वो चाहता है। उसने तुम्हारे संग हसीन दुनिया सजा रखी है। मैं उसकी दुनिया को उजाड़ नहीं सकता, मैं उसके सपनों को नहीं तोड़ सकता। और अपने सपने तोड़ सकते हो? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं उससे शादी कर लूंगी? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुमने मुझसे जीवन भर साथ निभाने के वादे नहीं किए? तुम मुझे अपने से क्यों दूर करना चाहते हो? बोलो अजय, तुम मुझे अपने से क्यों दूर करना चाहते हो? मैं नहीं चाहता, शायद कुदरत चाहती है। ये तूफान मेरे दिल में उठ रहे तूफान से कम नहीं है पूजा, लेकिन ये हमारी मोहब्बत का इम्तिहान है। नहीं, ये इम्तिहान नहीं, ये हमारी मोहब्बत पे डाका है। पूजा, मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है। ये कुर्बानी नहीं, ये कत्ल है, हत्या है। तुम्हारा दोस्त दोस्ती के खंजर से हमारी मोहब्बत का खून करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उसे अपने प्यार की भीख मांगूंगी, जिस तरह उसने तुमसे मुझे मांगा है उसी तरह मैं उससे तुम्हें मांग लूंगी। नहीं, तुम विजय के पास नहीं जाओगी, कम से कम शादी से पहले नहीं। अजय, पूजा तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी, वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती, कभी नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ पूजा कि मैंने उसे वचन दिया है और वो वचन तुम पूरा करोगी। कल सुबह अगर मुझे तुम्हारे घर की खिड़की पर तुम्हारा लाल दुपट्टा दिखाई नहीं दिया तो मैं समझ लूंगा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसी वक्त तुम अपने अजय की लाश अपने घर के बाहर पड़ी देखोगे। अजय, thank you.
शराब पीकर हिसाब रखा जनाब उसका बताओ जीना क्या। नजर से पिलाने का वादा करो तो, नजर से पिलाने का वादा करो तो, तुम्हारी कसम हम कसम तोड़ देंगे, तुम्हारी कसम हम कसम तोड़ देंगे, ओ तुम्हारी कसम हम कसम तोड़ देंगे, तुम्हारी कसम हम कसम तोड़ देंगे, देंगे नजर से पिला वादा करो तो, तुम्हारी कसम हम कसम तोड़ देंगे, तुम्हारी कसम हम कसम तोड़ देंगे। किसी दिन नजर से पिलाते तुम्हें हम, किसी दिन नजर से पिलाते तुम्हें हम, तुम्हारा ये झूठा का इशारा इशारा सहारा तुम्हारा ओ यारा, इशारा सहारा तुम्हारा ओ यारा, हो अगर है हसीना नजर का इशारा जो कर दो हमारी तरफ तुम दोबारा, जो कर दो हमारी तरफ तुम दोबारा, हाय बुतों की खुदाई को हम मान लेंगे, बुतों की खुदाई को मान लेंगे, पत्थर के सारे सनम तोड़ देंगे, पत्थर के सारे सनम तोड़ देंगे, ओ पत्थर के सारे सनम तोड़ देंगे, देंगे पत्थर के सारे सनम तोड़ देंगे, देंगे नजर से पिलाने का वादा करो तो, तुम्हारी कसम हम कसम तोड़ देंगे, तुम्हारी कसम हम कसम तोड़ देंगे। ये नाशिकों का चलन है पुराना, पुराना बजाना बहाना बनाना, पुराना बजाना बहाना बनाना, ये नाशिकों का चलन है पुराना, हर एक बात पर ढूंढ देते हैं बहाना, हर एक बात पर ढूंढ देते हैं बहाना, हमें आशिकी में खुदा छोड़ देंगे, हमें आशिकी में खुदा छोड़ देंगे।
रखने के लिए एक ही शहर बाकी। मस्त आँखों से छलकता हुआ एक जाम पिला, मस्त आँखों से छलकता हुआ एक जाम पिला। पूरी हो जाए ये हसरत भी ए गुलफाम पिला, पूरी हो जाए ये हसरत भी ए गुलफाम पिला। समंदर की तरह आग पी जाते हैं, पानी के समंदर की तरह, पानी के समंदर की तरह, पानी के समंदर की तरह आग पी जाओगे, आग पी जाओगे दरिया की रवाने की तरह। देर पीना मगर, देर पीना मगर आता नहीं पानी की तरह, देर पीना मगर आता नहीं पानी की तरह। अभी फैसला कर लो हमको पिला कर, अभी फैसला कर लो हमको पिला कर, यहीं पी के कदमों में दम तोड़ देंगे, यहीं पी के कदमों में दम तोड़ देंगे। उन्हीं में पिलाने का क्या फायदा है, उन्हीं में पिलाने का क्या फायदा है, जो पीकर यहीं अपना दम तोड़ देंगे, जो पीकर यहीं नजर से पिलाने का वादा करो तो तुम्हारी कसम हम कसम तोड़ देंगे, तुम्हारी कसम हम कसम तोड़ देंगे। किसी भी नजर से पिला के तुम्हें हम तुम्हारा ये झूठा भरम तोड़ देंगे, तुम्हारा ये झूठा भरम तोड़ देंगे। किस्मत हो तो मेरी किस्मत जैसी, जो चाहा वही पाया। पूजा मैं रात भर तुमसे बातें करूंगा, तुम्हें अपनी बाहों में लेकर नाचूंगा गाऊंगा पूजा पूजा। एक मिनट, आई विल जस्ट कम। मम्मी आप आइए ना। नहीं नहीं बैठी रहो, तू दू ना हो पूतो भलो। विजय बेटा, मैं जानबूझकर एक ही गिलास दूध लाई हूं, तुम और बहू दोनों आधा आधा पी लेना, इससे प्यार बढ़ता है। पहले दूध तुम पियो, मां बोलकर गई है कि आधा आधा दूध पीने से प्यार ज्यादा बढ़ता है, तुम नहीं पियोगे? कोई बात नहीं, सारा का सारा दूध हम ही पी जाते हैं, हमारा प्यार दुगना बढ़ जाएगा। क्या हो रहा है आपको?
मुझे चला गया। मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता तू। रात भर तुमसे बातें करूंगा, तुम्हें अपनी पांव में लेकर नाचूंगा गाऊंगा पूजा पूजा। किस किस को तसल्ली दूं, कैसे तसल्ली दूं? अपने हाथों से दाह संस्कार करने के बाद भी यकीन नहीं आता कि विजय अपनी राह। ठाकुर साहब, इतनी छोटी उम्र में हार्ट अटैक होना बहुत कम सुना है। ना जाने कौन सा अटैक था इंस्पेक्टर, उम्र भर की कमाई एक पल में लुट गई। ऐसा तड़प रहा था जैसे अंदर से उसे कोई नोच रहा हो, काट रहा हो। बच्चों, माँ जी ये तू क्या कर रही है? दूध में पिस्ता और बादाम मिला दिया है, आप ही ने तो कहा था ना। अच्छा अच्छा, मैं दूध कमरे में रखाऊं? नहीं, मैं ले जाऊंगी। और उसी दिन से लच्छू गायब है। तुमने जो मेरे लिए काम किया है उसका इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। ठाकुर विक्रम सिंह के साथ हमारी खानदानी दुश्मनी के नाम पर यह पहला खून तुमने किया है, ये बात काबिले गौर भी है और काबिले तारीफ भी। बस जल्दी से मुझे इस महल की रानी बना दो। बस समझ लो मेरी जान, अब तुम्हारे लिए दिल्ली दूर नहीं, क्योंकि गंदा नाम जगीरा और धंधा इसका पान। ठाकुर विक्रम सिंह, अब रख दे अपनी बहू के हाथों पर विधवा का जोड़ा। बड़ी सुंदर और प्यारी बेटी है आपकी, जिस घर में जाएगी उसके भाग जान जाएगी। धीरे रखो ठाकुराई, सब्र से काम लो। देखो मेरी आंख में कुछ पड़ गया। लाओ, मैं निकाल देता हूं। वो तेरी माँ की आंख से कंकड़ निकाल रहा था। जब मेरी आंख में कंकड़ पड़ा तब तो ऐसे नहीं निकाला था। क्यों माँ? हाँ बेटे, तुम्हारे बापू बहुत खराब है, तुमसे प्यार करते हैं और मुझसे शरारत। शरारत का कोई फायदा होगा? अब उसकी आवाज इस घर में कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। कौशल्या, सब इससे काम लो। विजय की आवाज अब कहाँ?
मैंने सदा अपने आप को विजय की परछाई समझा है। परछाई शरीर तो नहीं बन सकती, लेकिन तुम्हारे प्यार की सौगंध मैं इस घर में विजय की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। अब यहां से पहुंच लो मां, यहां से पहुंच लो। कैसे पहुंच लो बेटा, जब भी मैं बहू को देखती हूँ तो ये आंसू उसका भाग्य बनकर रोने लगते। उसके लिए क्या क्या सोचा था, और अब ये हवेली मेरी बहू के लिए जीवन भर की कैद बनकर रह गई। अपने रब का नाम है यारी, मजहब अपना यारी है, रिश्ता अपना दोस्त का खून किया है। अजय, नहीं भूला मैं तेरी वो बातें कि पूजा तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी, वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती। तूने मेरी दोस्ती पे डाका डाला है, धोखा दिया है तूने मुझे। लेकिन लेकिन इतना याद रखना कि विजय के साथ साथ अजय भी मर चुका है। उसकी हर सांस तेरे नफरत के जहर से जहरीली हो चुकी है। नागिन चली जा, चली जा यहां से, मैं तेरी असलियत जान चुका हूं। नहीं, तुम कुछ नहीं जानते। प्यार को तो परखा मगर शक की कसौटी पर, दोस्ती का वास्ता देकर जिस पवित्र प्रेम का बलिदान मांगा उसी पे शक किया। तुमने जो कहा जो चाहा मैंने किया, बस एक जान बाकी है, चाहे तो वो भी ले लो, मार डालो मुझे, मार डालो और खत्म कर दो इस नफरत और शक की कहानी को। Thank you.
अगर ये बात सच है तो समझ लो ठाकुर विक्रम सिंह के नाम का सूरज डूब गया। मुनीम, सरकार, सारे गांव में ये अफवाह फैला दो कि ठाकुर विक्रम सिंह के नौकर रघु का बेटा और विक्रम सिंह की विधवा बहू एक दूसरे के साथ इश्क करते हैं और जायदाद और मशूका हासिल करने के लिए उसने अपने दोस्त विजय की जिंदगी का कनेक्शन काट दिया। यानी कि एक तीर से दो निशाने। तीर तो अब हमारे हाथ में है मुनीम, देखते जाना एक ही तीर से किस किस की छाती चीरूंगा। अफवाहों का इतना बारूद इकट्ठा करो ताकि जब उसमें धमाका हो तो ठाकुर विक्रम सिंह के कानों के पर्दे फट जाए। गांव वालों की बातों से परेशान हो रहे हो? नहीं, आज मुझे इंसाफ के तराजू का पलड़ा डोलता नजर आ रहा है कौशल्या। किसका इंसाफ करोगे, अपने बेटे का, अपनी बहू का? जरा अपने आप से पूछो, क्या अजय ऐसा सोच भी सकता है? बिना सोचे समझे, बिना देखे जाने अपने बेटे पर, अपनी बहू पर दोष लगाओगे? दोष में नहीं, समाज लगा रहा है। समाज का क्या है, इसने तो सीता पर भी दोष लगाया था। सीता को भी तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आखिर तुम लोग कब तक औरत से परीक्षाएं लेते रहोगे? कब तक उसकी मजबूरी को उसका अपराध बनाते रहोगे? कब तक? कौशल्या, इंसाफ के सामने सब बराबर हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, कल अजय और बहू को सारे गांव के सामने अपराधी बनकर आना ही पड़ेगा। Thank you.
जब जब इस घर से किसी ने इंसाफ मांगा है उसे मिला है, लेकिन आज इंसाफ के तराजू के दोनों पलड़ों पर हम हैं। एक तरफ हमारी बहू जो हमारी इज्जत है, दूसरी तरफ हमारा बेटा जो हमारा विश्वास है। आप लोगों का कहना है हमारा विश्वास झूठा है, हमारा विश्वास धोखा है, हमारा विश्वास वो कलंक है जो हमारी इज्जत के दामन को गंदा कर रहा है, ना जिसे गांव वाले बर्दाश्त करेंगे और ना हम। इन लोगों का कहना है कि तुम पूजा को उसकी शादी से पहले से जानते थे। जानते थे कि नहीं? इनका कहना है कि तुमने अपने दोस्त के साथ विश्वासघात किया है। इनका कहना है कि तुम्हारे पूजा के साथ नाजायज संबंध है। नहीं, ये झूठ है, सरासर झूठ है। इन लोगों का कहना है कि कल रात तुम गांव के बाहर पूजा से मिले थे। मिले थे या नहीं? मैं क्या पूछ रहा हूं, मिले थे या नहीं? मिले थे या नहीं, जवाब क्यों नहीं देते? मिला था। विक्रम सिंह ने तुझे अपना प्यार दिया, अपना नाम दिया, तूने उस नाम को गाली दी। नहीं बाबू, ऐसा मत कहो। मत कहो मुझे बाबू, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। नहीं बाबू नहीं, आप मुझे जो चाहे सजा दे दो, और ये मत कहिए कि मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं। माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? मेरा यकीन क्यों नहीं करती तुम? ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं माँ, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम मेरी बात का यकीन करो, यकीन करो माँ। माँ, इसने हमारे गांव को बदनाम किया है, ये गुनाहगार है, इसकी सजा यही है कि इसे गांव से बाहर निकाल दिया जाए। बापू, बंदा नाम जगीरा। आज शेर बकरी की तरह सर झुकाए खड़ा है। मुनीम, याद है इसने क्या कहा था? जब कभी मेरे सामने आना तो सर झुका कर आना, नहीं तो मेरा पंजा। देखू तो सही तेरे पंजे में कितनी जान है। अरे टकराना है तुम मुझसे? टकरा फिर देख कृष्णा, जुल्म का गला अपने हाथों से किस तरह दबाता है। अरे तू क्या टकराएगा मुझसे कृष्णा? तुझे मालूम नहीं कि एक टूटा हुआ आशिक और जंग में हारा हुआ सिपाही एक समान होते हैं? और दोनों ही हार की पट्टी में जल जल कर ज्वालामुखी बन जाते हैं।
और खून करके जेल की सलाखों के पीछे फिर जाना चाहते हो? अरे कृष्णा, जेल की सलाखों के पीछे जाने से डरता नहीं है। नहीं कृष्णा, नहीं। एक बात याद रखना, कृष्णा की इस धरती पर दो दुश्मन हैं, एक बेइंसाफी, दूसरा जुल्म। और जब तक कृष्णा के दम में दम है, तब तक इन दोनों को दम नहीं लेने देगा। अरे मैंने कहा था ना कि ये भगवान तुम्हारी कभी रक्षा नहीं करेगा। ये प्यार करने वालों के साथ तो साथ निभाता ही नहीं। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने? ये जख्म, ये बदनामी? नहीं कृष्णा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना इन दुनिया वालों से, ना इस भगवान से। मैं तो जीना ही नहीं चाहता। इतनी जल्दी हार मान गए, इसका मतलब तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं है। मेरा प्यार सच्चा ना होता तो मैं अपने दोस्त के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान ना करता। अगर मेरा प्यार सच्चा ना होता तो वो सब झूठे इल्जाम में बर्दाश्त ना करता जो मेरे अपनों ने मुझ पर लगाए हैं। तू अपनी जान देकर झूठे इल्जामों को सच बनाना चाहता है। तू इसलिए मरना चाहता है कि तेरी मोहब्बत पर लगा हुआ कलंक और गहरा और काला हो जाए। तू इसलिए मरना चाहता है कि तेरे बाद तेरी मोहब्बत जिंदगी भर रुसवाई और बदनामी की आग में गीली लकड़ी की तरह जलती रहे। मोहब्बत दो जिस्म नहीं तो रूहों के मिलाप का नाम है। मरने का बहाना
कृपा प्रभु तेरी माया। फूलों की तरह हंसता हुआ चेहरा आज किस तरह मुरझा गया है। अरे धंधा इसका पाप। आज बनेगा पंडित कर कर के पूरा जा। मुझ पर रहम करो, मैं तो पहले से ही तकदीर की लूटी हुई हूँ। तकदीर साली क्या लूटेगी सूसन को। इस भरपूर अनछुई जवानी को लूटने के लिए तो जगीरा चाहिए, जगीरा। तो मरते मरते बचा है। आज बड़ा जोर लगा के आवाज निकाली है तूने। ऐसा लग रहा है जैसे मरने वाले की आखिरी हिचकी हो। ये हिचकी तूने अपनी मौत की सुनी है जगीरा। आज तेरी सांसों का सफर खत्म हो गया। मेरे पंजे में कितना दम है। चलिए मैं आपको घर छोड़ाऊं। सब जगह तलाश किया ठाकुर साहब, पर कहीं पता नहीं चला। लेकिन बहू रानी तो कल सुबह पूजा करने आई थी मंदिर में। मेरा तो दिल डर रहा है, कहीं उसने बहू। बहू रानी,
क्या हुआ बहू? जिसे इस घर से थक्के मार कर निकाला गया था उसी ने इस घर की इज्जत बचा ली। माझी कौन? अजय। फैसला मैं करूंगा विक्रम सिंह, आज बरसों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी और उसके साथ ही खत्म होंगे तेरा घर, तेरी जमीन और तेरी इज्जत। मैं तुझे तबाह और बर्बाद कर दूंगा। बहुत जल्दी मेरे पांव पर सर रख दिया ठाकुर। मेरा नाम ठाकुर विक्रम सिंह है जगीरा। ये सर जुल्म से लड़ते लड़ते कट जाएगा पर जुल्म के सामने झुकेगा नहीं। लेकिन आज झुकेगा। मुझे इस अष्टाम पेपर पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए ठाकुर। सपने देखना छोड़ दो बच्चे। सपने नहीं, ये हकीकत है ठाकुर, हकीकत। तुम्हारी वजह से मेरा बाप फांसी पे चढ़ा था। ये बात मैं भूला नहीं हूँ अभी। और मुझे इस बात का भी पता है कि मेरे दादा और तुम्हारे बाप के बीच एक झगड़ा हुआ था, उस जमीन के टुकड़े की खातिर जो अब तुम्हारा है। और मेरे बाप और तुम्हारे बीच भी एक झगड़ा हुआ था ठाकुर, इस औरत की खातिर जो अब तुम्हारी बीवी है। और जानती हो ठाकुराइन, तुम्हारे बेटे और मेरे बीच भी झगड़ा हुआ है, इस लौंडिया की खातिर जो अब तुम्हारे खानदान की बहू बन चुकी है। यानी कि तुम्हारा ये सारा घर हमारे खानदान के दिलों का दुश्मन है ठाकुर, दुश्मन। लेकिन आज के बाद ये नहीं रहेगा, क्योंकि ये जमीन, ये जायदाद सब मेरी होगी ठाकुर, मेरी। और तुम ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे। गलती से शेर की गुफा में घुस जाओ तो अपनी जान बचाने के लिए खुद भागना पड़ता है, शेर को भागने के लिए नहीं कहते। कौन शेर है और कौन गीदड़ यह भी पता चल जाएगा ठाकुर, दस्तखत करते हो या नहीं। कभी नहीं। कभी नहीं ठाकुर, अभी अभी इसी वक्त। बांधो इन दोनों बूढ़ों को ताकि अपनी आंखों के सामने अपनी इज्जत लूटती देख सके। तुम भी बता दो अपने सास ससुर को मेरी जान, ये गंदा नाम जगीरा और धंधा इसका बाप। अजय बाबू, जगीरा ने मालिक मालकिन और बहू रानी को अपने कब्जे में कर लिया है। हाँ जल्दी चलिए। छोड़ दो मुझे। कमीने कुत्ते, छोड़ दो उसे। छोड़ दो मुझे। Thank you.
को भून कर रखूंगा। रुक जा बुड्ढे, पासा पलट चुका है, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना। मान गए भाई, मान गए। आज इन मासूमों की जान बचाकर तूने कृष्णा का दिल जीत लिया है। अरे जा, आज से तेरी और कृष्णा की दुश्मनी खत्म हुई। अरे भाई, तुम्हारा प्यार सच्चा है, अमर है। तुम ठीक कह रहे हो कृष्णा, हमने इनके प्यार को समझने में भूल की। जिंदगी भर दूसरों के लिए इंसाफ करता रहा, लेकिन अपने बच्चों के दिलों का इंसाफ नहीं कर सका। मुझे माफ कर देना।